मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल जय सरकलवंडा में। गाइस, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस तरह का वीडियो का देखा, गाइस अगर आपको भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। गाइस, जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता ही है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं ना ही थर्ड पार्टी एप्स को यूज करवाता हूँ, ना ही दोस्तों किसी भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाके कहीं पे कुछ एप्स इंस्टॉल करो या फिर कुछ भी करो। गाइस, मैं आपको सिर्फ अपना स्मार्टफोन के काइंड मास्टर के एप्लीकेशन को ही ओपन करके दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो सिखाऊंगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और गाइस अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे ताकि दोस्तों वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, आप अगर मुझे बखते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे ही दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जैसा दोस्तों मैंने कहा है आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना है। तो दोस्तों बिना किसी तरीके चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइंड मास्टर का प्रो मोड यूज करता हूं। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देके रखा है जहां से गाइस आप काइंड मास्टर प्रो मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको काइंड मास्टर में बीच में जो नियुक्ति फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बारे नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको राइट साइड में जो एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है वो देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको गैलरी ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको बैकग्राउंड है, आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्शन करूँगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है दोस्तों उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों बढ़ा के कुछ इस तरह से 15 सेकंड से आपको थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि गाइस टिकटॉक का जो वीडियो होता है दोस्तों वो 15 सेकंड से कम ही होता है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर गाइस आप जो स्काई में इफेक्ट होते हैं वीडियो को देखा है उस वीडियो का दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैंने देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो गाइस जो मेरा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसी में आपको मेरा टिकटॉक आईडी भी मिल जाएगा। आप गाइस मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों जो वीडियो है आपको उस वाले वीडियो का आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप स्लाइड कीजिएगा जहाँ से फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा देख सकते हैं। आपको गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे आना है। आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको जो फ्रेंड्स राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है और फ्रेंड्स आपको ग्रीन कलर, आपको गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो कलर है उसको मैं ग्रीन कर दिया हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर का वो दिखने लगता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो अपना लगाना है और दोस्तों जो आपका सेकंड फोटो है दोस्तों जिस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर लगाना है। तो गाइस आपको अभी क्या करना है, आपको फर्स्ट फोटो जो है उसको आपको सिलेक्शन करना है। फर्स्ट फोटो को सिलेक्शन करने के लिए गाइस आप कुछ क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इस जगह पर आइएगा, कुछ इस तरह से इस जगह पर आने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ से ओके करके
जो आपको राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, इसी मीडिया में फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में करना है। कर देने के बाद गाइस आप कुछ इस तरह से आपको उसको ऊपर भी कीजिएगा। कर लेने के बाद जो लेफ्ट साइड में आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट फोटो है उसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों सेट कर दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना सेकंड फोटो को लगाना है। तो सेकंड फोटो को लगाना है आपको कहाँ से है मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। गाइस देख सकते हैं इस जगह पे फ्रेंड्स आपको आना है। आने के बाद गाइस यहां से आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड फोटो है उसको आपको अभी सिलेक्शन करना है। सेकंड फोटो सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको सेम आपको प्रोसेस में जाना होगा। तो लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी लेयर में क्लिक करके गाइस यहाँ पर दोस्तों जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपको मीडिया का, इसी मीडिया सिलेक्शन करके दोस्तों आपका जो सेकंड फोटो है उसको आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सेकंड फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों इसको भी कुछ इसी तरह से एरो में पकड़ के दोस्तों इसको कुछ इस तरह से बड़ा कीजिएगा। बड़ा कर लेने के बाद गाइज आपके यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आप सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें भी दोस्तों क्या होगा, जो आपका फोटो है वो पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपना वीडियो को दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले करके देखना है। गाइज जो मेरा वीडियो है उसको मैं कुछ इस तरह से प्ले करके अभी देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में शेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस आपको पता है आपको क्या करना है। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर एंडिंग लगाते हैं।